वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास टेंथ की मैथ की एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 5.3 और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 14 वाला सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लिया है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यहाँ पर रेंज बता दिया है, 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं हमें उनका सम निकालना है टोटल, ठीक है, उनका ऐड करके सम निकालना है पूरा। तो देखिए यहाँ पर ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना होता हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं ऑड नंबर की सीरीज बनाती हूँ, तो देखिए यहाँ पर 1 पहला होगा, 1 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 भी नहीं होगा डिवाइड, फिर 5 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से करते करते हमें 0 से लेकर 50 के बीच का ऑड नंबर पता करना है। तो देखिए शुरू में मैंने 1, 3, 5 पता कर लिए, अब लास्ट में देखिए 50 हम लेते हैं, तो 50 तो 2 से डिविजिबल है, तो 50 के पहले पीछे क्या आता है 49, तो वो तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें लास्ट ऑड नंबर जो है वो 49 मिल गया, ठीक है। तो ये हमें एक एपी सीरीज मिल गई। हम इसे चेक भी कर सकते हैं कैसे, अगर आपको पता करना है कि एपी सीरीज है कि नहीं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो एपी सीरीज में चेक करने का क्या तरीका होता है, हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर जो सेकंड टर्म जो है उसको फर्स्ट से माइनस करते हैं, सेकंड टर्म क्या है हमारा 3। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, 3 - 1 तो ये आएगा 2। उसी तरह से जिस तरह से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, उसी तरीके से थर्ड को सेकंड से माइनस कीजिए, यानी कि थर्ड टर्म 5 है और सेकंड टर्म क्या है 3 है, तो ये भी 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है हमारा, तो ये हमारा एपी सीरीज हो गया। तो देखिए एपी सीरीज में हमारे क्या क्या होते हैं, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म पर है, तो जो एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और क्या दिया हुआ वो 1 दिया हुआ है, और हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, क्या है हमारा 2 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा इस एपी सीरीज में, अच्छा यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि जो ऑड नंबर्स की रेंज है वो 0 से लेकर 50 तक है, तो यहाँ हमने देखा जब हमने ए सीरीज बनाया तो यहाँ जो हमारा लास्ट नंबर आ रहा है वो 49 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AL = 49, ये हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट नंबर है हमारा, ठीक है। तो लेकिन ये किस टर्म पर है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये लास्ट नंबर है, किस टर्म पे है हमें ये नहीं पता। अगर हम ये मान लेते हैं लेट एन बी द लास्ट टर्म, हम ये मान लेते हैं कि एन हमारी लास्ट टर्म है, उस लास्ट टर्म की जो उस लास्ट टर्म पर जो मतलब एनथ टर्म पर जो वैल्यू है वो हमारी 49 दी हुई है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनथ टर्म पर जो वैल्यू दी हुई है उसको हम ए एन मान लेते हैं, AN = क्या दिया हुआ हमारा 49, ये हमारा लास्ट नंबर है, ठीक है। L है, L भी मान सकते हैं, L भी है, और ये हमारा क्या है nth टर्म पर जो वैल्यू है वो हमारी 49 दी हुई है, तो ये AN हो गया। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या 1 है, सेकंड टर्म हमारा क्या 3 है, तो सेकंड टर्म पर जो वैल्यू होगी उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं A2 से, ठीक है। उसी तरह से हमें ये थर्ड टर्म पर जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, उसको कैसे लिखते हैं हम A3 = 5, यानी कि थर्ड टर्म पर जो वैल्यू है उसको हम A3 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या दी 5। उस तरह से ये, लेकिन 49 किस टर्म पर ये हमें नहीं पता, हम उसको nth टर्म मान लेते हैं, और nth टर्म पर जो वैल्यू है उसको हम AN मान लेते हैं, और AN हमारा दिया 49। अब सिंपली आप AN का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, A+N - 1D, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए AN इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 49, हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 49 = A, ए हमारा क्या दिया फर्स्ट टर्म यानी कि A1 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमें एन ही पता करना है क्योंकि ये किस टर्म पर है, और इस एपी सीरीज में टोटल कितने टर्म है वो तो हमें पता नहीं है, तो हमें यानी कि पहले हमें एन निकालना होगा, तो हमारा एन एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 2 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 49 = 1 प्लस, अभी से 2 से ये और n भी मल्टीप्लाई होगा और -1 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से पहले n मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2n हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस लगा दीजिए, फिर 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2n, और क्या है ये +1 है और ये -2 है, ±, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, और बड़ा क्या हमारा 2 है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, यानी कि हमारा क्या नंबर आया 49 = 2n - 1, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे -1 को = के इधर लेकर आएंगे, तो = के इधर लेकर आएंगे तो -1 जो है इधर आएगा तो वो +1 हो जाएगा, = 2n हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 50 = 2n, ठीक है। हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा 2,
2 को जब यहाँ से हटाएंगे तो ये इधर 50 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 50/2, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर 25 आया, यानी कि हमें n इक्वल टू 25 मिल गया। इसका क्या मतलब है कि इस एपी सीरीज में टोटल 25 ऑड नंबर्स है, 25 टर्म्स हैं इसमें, ये बता रहा है n। तो हमें यहाँ n पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि इस एपी सीरीज में जितने भी 25 टर्म्स दिए हुए हैं उन सबका हमें उन सबका टोटल हमें निकालना है, ऐड करना, उसी को कहा जाएगा सम ऑफ द एपीज। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन स्कल टू एन अपॉन टू 2a+n-1d। देखिए यहाँ पर हमें n ही नहीं दिया पता था, तो n निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। इसकी हेल्प से हमें यहाँ से n मिल गया, 25 इसकी वैल्यू निकल गई। हमें यह पता चल गया कि इस एपी सीरीज में टोटल 25 टर्म है। तो अब n की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से जस्ट एस एन की फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, तो एस एन स्कल टू एन अपॉन टू, यानी कि n की वैल्यू क्या है 25/2, फिर क्या दिया हुआ है 2a, तो 2 और a की वैल्यू कितनी दी है 1, वो कि गिवन है, तो 1 लिख दीजिए आप, प्लस यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे 25-1, और d की वैल्यू दी हुई 2, तो यहाँ गिवन दी हुई है, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25/2, और ये हो जाएगा 2 1 2, प्लस 25 में से 1 गया, हमारा क्या बचा 24 2, ये हमारा आया, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, एस एन इजकल टू 25/2, ये हो जाएगा 2 + 24 2, हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 24 = 48 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 25/2, ये 48 और 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50, फिर इसको आप कैंसिल कर दीजिए 25 आ जाएगा, तो ऐसे ना हमारा आया 25 × 25 = 625, ये आंसर है। यानी कि कहने का मतलब एसएन जो 625 है ये बता रहा है कि इस एपी सीरीज में टोटल 25 टर्म्स है, 25 ऑड नंबर्स है ना, और उन सारे ऑड नंबर्स को ऐड करने पर ये टोटल 625 आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।